Welcome back guys to my YouTube channel. My name is Durga. You are visiting Durga Reaction. तो आज मैं reaction video बनाऊंगी. आज इस चैनल चलाने की video आई है होली रिटर्न्स के ऊपर. तो आज हम इसी के ऊपर reaction video बनाएंगे. लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नहीं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना. बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट. यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है, मतलब इसमें जो कुछ भी दिखाया है उसे प्लीज रियल लाइफ में ट्राई ना करें वरना आपकी जान और जेब दोनों को खतरा होगा. और हाँ, ये पीछे जनरेटर की आवाज को इग्नोर करो, हमारे तरह लाइट गई हुई है. कपड़े आज उसके माथे पे गुलाल के बदले सिंदूर लगा दूंगा. मेरी होगी, सिर्फ मेरी. मैं आ रहा हूँ. कांता, कांता. अरे वाशु, तुझे कैसे पता चला मेरा डिवोर्स हो रहा है? डिवोर्स? डिवोर्स ही हो रहा होगा ना बेटा, तभी तो तू इतना बन ठन के अपने बाप की दूसरी शादी में जा रहा है ना. अरे नहीं मम्मी, एक्चुअली मैं होली मनाने जा रहा हूँ. जुमिया प्ले बॉल, लेट्स प्ले होली. होली? अरे वाह, मेरा राजा बेटा होली खेलने जा रहा है. लेकिन बेटा बेटा कुछ मिसिंग नहीं है, है ना? तो एक काम करना, जूते भी नए पहन ले, नई घड़ी पहन ले. होली पे नए कपड़े कौन पहन के जाता है वे? सीमा तेरा मेकअप कर देगी, पूरा लुक हो जाएगा बेटा. अरे क्यों मजाक कर रहा है? टैग लगा हुआ है. शुरू कैसे किया? मैंने किया? इतने नए कपड़े पहन के तुम्हें होली खेलने जा रहे, शर्म नहीं आती? अरे हमारे घर पे तो पैसे पेड़ पे उगते, ये डायलॉग नहीं मारूंगी. हमें तो भगवान जीपे से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करता है ना. नल खोलती हूँ तो 20 के सिक्के निकलते हैं ना. डिब्बों में 5,000 के नोटों की गड्डियाँ होती है ना. 5,000 का कौन सा नोट होता है? तो हमारे पास भी कौन सी कार है बेटा? चुपचाप ऑप्शन दिखा दू. ठीक है यार मम्मी, एक मिनट चेक करता हूँ. एक मिनट, ये पहनू? ये अभी तो लिया 4 दिन पहले. ये पहनू? ये अभी तो लिया 4 महीने पहले. ये पहनू? ये अभी तो लिया 4 जन्म पहले. अरे तो सब अभी लिया, क्या पहनू मम्मी, क्या पहनू? ठीक है बेटा, कुछ और निकाल निकाल, कुछ और निकाल. एक काम करता हूँ, ये पापा की पुरानी शर्ट पहन दो. ठीक है, ये अभी तो लिया. अरे ये कैसे अभी लिया है? तो पापा की पुरानी शर्ट है. ये कैसे अभी लिया है मम्मी? ये शर्ट पुरानी कितनी है? 15 साल. तुझे पापा ने कभी दी? सुबह. तो अभी तो लिया ना 4 घंटे पहले. ये भाई, तो ये काम करता हूँ, मैं दादाजी की बाबा आदम के जमाने की चूहे खाई हुई सूट पैंट पहन के जाता हूँ. ठीक है, तू क्या राजा मौली के साथ ऑस्कर में होली खेलने जा रहा है? तो सूट पैंट पहन के जाएगा, कुछ और दिखा. ये पहन के जाऊँ मम्मी? अभी तो लिया. हाँ मालूम है, अभी लिया. मैंने बोला अभी नहीं लिया. हाँ अभी लिया, लेकिन मम्मी ये तो 100 रुपए की है. 100 रुपए? 100 रुपए की कीमत मालूम है तुझे? अरे जब तेरा बाप तेरी उम्र का था उसने तेरे छोटे चाचा को 100 रुपए के लिए बेच दिया था. 100 रुपए के लिए बेच दिया? आपने कभी बताया नहीं मेरे छोटे चाचू? तूने कभी अपने छोटे मामा के बारे में सुना है? अच्छा, तो मामा के साथ क्या हुआ था? उन्हें क्या सॉक्स या रुमाल उमाल के लिए बेच दिया था? सॉरी मेरे 100 रुपए वाले चाचू, अब इसका बट्टा आराम करो. ये पहन के जाऊं? ये वैलेंटाइन पे काम आएगा बेटा. ये पहन के जाऊं? ये तेरी शादी में हल्दी में काम आएगा बेटा. ये पहन के जाऊं? ये तेरे बच्चों के स्पोर्ट्स डे में काम आएगा बेटा. अरे तो एक काम, फ्यूचर प्लानिंग पूरी बना रखी है. अरे खराब हो जाएगा, धोने के बाद भी हफ्ता हफ्ता कलर नहीं निकलेगा. अरे तो मम्मी होली के बाद बनियान फेंक दूंगा ना. मैं बनियान की नहीं तेरी बात कर रही हूँ. ये ले, ये पेन. ये क्या है? ये भाई फिट भी आएगा? ये कब की टी शर्ट है मम्मी? ये तेरी 1 साल पुरानी टी शर्ट है. 1 साल पहले तो मैं इतना नहीं था. अरे जब तू 1 साल पुराना था तब की टी शर्ट है. अच्छा, कहाँ पहनू मम्मी ये? अरे पेट अंदर करके पहन बेटा, हिम्मत तो कर. ठीक है मम्मी, तू कहती है तो पहनता हूँ. पहन पहन. ये तो सर भी नहीं घुस रहा है. ले नाना बेटा, तो ये नहीं पहन सकता. अच्छा क्यों मम्मी, मैं ये क्यों नहीं पहन सकता? क्योंकि अभी अभी तो ये नया पोछा बना है, कुछ पुराना पहनना. पोछा पहना दिया. अरे बेटा नाराज नहीं होती बेटा, बेटा माँ बैठी है ना, मैं तेरी मदद करती हूँ. मैं कुछ सोचती हूँ. क्या टिकड़म लगाएंगे? हे भाई, केले के पत्ते पहना दिए इसको. क्या जंगली आदिवासी बना दी है? होली खेलने जा रहा है. मम्मी, मम्मी बकरियां मुझे गंदी नजर से देख रही हैं. मैं हूँ बियर मैक ग्रिल्स और मैं देश की सबसे रंगीन फेस्टिवल होली पे बड़े बड़े खतरों का सामना करता हूँ, जहाँ जिंदा रहने से जुड़ी तकनीकें जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है. मैं ऐसा जोखिम फिर कभी नहीं उठाऊंगा. आज मैं आपको दिखाऊंगा कि होली के इस जंगल में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं. मैन वर्सेस होली विद बियर मैक ग्रिल्स.
मैन वर्सेस होली के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आपको भिन्न भिन्न प्राणियों की MMS दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, डॉक्यूमेंट्री। वो देखिए, हमने हमारी सबसे पहली प्रजाति को स्पॉट कर लिया है। ये है होली किंगडम के एम्फीबियन। कौन से प्रजाति? रंगों वाले दिन भी पानी वाली होली खेलते हैं साले। कईयों का तो ये मानना है कि ये प्रजाति पैदा ही इसलिए होती है ताकि दूसरी प्रजाति के लोग इन पे कलर लगा सके। अरे ये वो रफ बुक है जिसे सारे नर्ड्स अब्यूज करते हैं। अरे ये वो तौलिया है जिसे सब अपना बदन पोंछते हैं। अरे ये वो खुली सड़क है जिसपे हर कोई मूत के जाता है यार। ओह माय गॉड, अबे स्टीवन स्पीलबर्ग कैमरा उधर करना, कितने रिएक्शन दूं देखना। इस कंक्रीट जंगल में हमें दूसरे जीव के दर्शन भी हो गए। ये है होली किंगडम के कार्निवोरस एनिमल्स। ये नर अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। अरे अगर इन लॉन्डो को साथ खड़ा कर दो तो दुनिया वालों को बेशरम रंग दिख जाए। इन लॉन्डो को साथ खड़ा कर दो तो रेनबो ब्रिज बन जाए। अरे इन लोगों को साथ खड़ा कर दो तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी कलर हो जाए। ये खूंखार प्राणी धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं और इस शिकार को इस बात की ठरक तक नहीं है। अबे भनक, सॉरी, इस शिकार को इस बात की भनक तक नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। और ये आदमखोर प्राणी ने इन्हें दर्पण से गबोच लिया है और ये क्लीन बोल्ड और ये मैच की समाप्ति होती है। ये क्या देख लिया मैंने? ये जंगल के कीचड़ में कमल कहाँ से खिल गया? ये है मादा प्रजाति। जो लुखे लौंडे आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाते वो भी होली के दिन निकलते अपने गुफा से इनको रंग लगाने के लिए। वैसे तो पूरा साल मेकअप से होली मनाती है लेकिन आज के दिन अगर चेहरे पे दो बूंद पड़ जाए तो इनके स्किन के डाइटिशियन को रात को नींद नहीं आती क्योंकि इनके सपने में डोर मामू आके मुजरा करते है ना। अगर अभी जाके इनके मुंह पे हरा रंग लगा दूं ना मैं ऐसा झापड़ खींच के मारेगी, लेकिन उसी की जगह अगर मैंने धनिया पाउडर की पूरी बोरी इनके सर पे उल्टी कर दी तो मुझे कहेंगी ओ भैया थैंक यू सो मच फॉर द पर्पल कलर्स। इसीलिए इन्हें हर्बीवोरस प्रजाति भी कहा। हर्बीवोरस। अब मैं आप सबको मिलाने वाला हूँ दुनिया के सबसे विचित्र जानवरों से। पर्सनली ये मेरी सबसे फेवरेट प्रजाति है क्योंकि ये दुनिया की सबसे हार्मलेस प्रजाति है। और ये है भांग पीने वालों का झुंड। ये होली किंगडम के ओमनीवोरस एनिमल्स हैं क्योंकि नशे के चक्कर में ये हर जगह ओमनीप्रेजेंट रहते हैं। भांग पीने के बाद ये हर मल्टीवर्स में होली मनाते हैं। आज अगर आपको ये होली के गाले में दिखेंगे तो कल किसी बहते नाले में मिलेंगे। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? 25 साल। क्या? आप रहते कहाँ है? 6:30 बजे। कितनी भांग पी है? दादर स्टेशन। ये साल का इलेक्शन कौन जीतेगा? दाल चावल। देखा आप लोगों ने इनके जवाब में इतना दम था कि मुझे मेरे सवाल ही गलत लगने लगे। ठीक है भैया तो मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली। राकेश खन्ना, योरसेल्फ। राकेश खन्ना। सेक्टर 4 के इस खूंखार इलाके में आप बच के रहिए क्योंकि कोई भी जानवर कभी भी आपकी मिर्ची चबा सकता है। अरे अगली प्रजाति मिल गई। आई आई आई, ये है होली किंगडम के कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दिखने में खतरनाक होते हैं, एक्चुअली खतरनाक नहीं होते। इनफैक्ट ये तो बेचारे रंग पीड़ित प्राणी है। मैं आपको बताऊं कैसे। 8 साल पहले एक बकवास आदमी ने नीले कलर में केरोसिन मिलाकर इन पर लगा दिया। कलर तो हफ्ते में निकल गया लेकिन केरोसिन इन पर रह गया, इसलिए आज तक ये ऐसे ही दिखते हैं। हकीमों की माने तो ये कलर अब सिर्फ जलाने के बाद ही निकलेगा। इस खतरे से जानवर से कुछ बातें करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? अवतार। काम क्या करते हो? अवतार मैं। क्या? अरे मतलब एनिमेशन वाली फिल्म होती है ना, उसमें ब्लू स्क्रीन लगती है, ग्रीन स्क्रीन लगती है, पूरा दिन रुकना पड़ता है वहाँ। अच्छा अच्छा, पैसा कितना कमाते हो? 50 रुपया। 50 रुपया दिन का? अरे भैया तो एक काम करो ना, आप ये प्रोबो ऐप डाउनलोड करो। ये इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी यूज करते। इसमें क्या होता है, कोई भी आपका फेवरेट टॉपिक है जिसमें आपका इंटरेस्ट है या नॉलेज है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, यूट्यूब या और कुछ, उसके ओपिनियन का आपका हाया नामे जवाब देना है। जैसे ये सवाल देखो, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगला टेस्ट मैच जीतेगा? मुझे तो लगता है जीतेगा, तो मैं येस कर रहा हूँ और क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आप लाखों रुपए जीत सकते हो और आप ये पैसे UPI या पेटीएम के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हो। और आपको मालूम है इनिशियल डाउनलोड पे ये लोग 25 रुपया बोनस भी दे रहे हैं। 25 रुपया? मेरे आधे दिन की सैलरी एक डाउनलोड पे? भैया ये मैं ऐप तो डाउनलोड करूंगा लेकिन तुम एक ओपिनियन डालो ना, ये मेरा कलर उतरेगा कि नहीं। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रजाति से मिलाने वाला हूँ जो इस देश की नहीं इस दुनिया की सबसे खतरनाक प्रजाति है। ये होली किंगडम के एपेक्स प्रेडेटर्स है, प्रेडेटर्स। अरे आतंकवादी भी इन लोगों से डरते हैं। डायनासोर को खत्म करने वाले लोग यही थे। अरे इनकी वजह से हमारे देश में हॉरर फिल्में बनना बंद हो गई है क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं। ये है
नहीं ये नहीं, ये है हमारे एपेक्स प्रेडेटर सिल्वर सर्पों का झुंड। इन लोगों ने जो हमारे देश में दहशत फैला के रखी है होली पे, लोगों ने होली खेलना ही छोड़ दिया है। अगर सेंसस की माने तो इनसे ज्यादा घटिया, नीच, वाहियात, जाहिल, चोर, छपरी, पान की चमकीली टपरी कोई नहीं है। ये साले बाबा इलायची के दानों ने हमारे देश का नाश कर दिया। अरे मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि बर्तन, अरे भागो, अरे मिलते हैं मैन वर्सेस होली के आपके लिए अगले एपिसोड में। तब तक साफ बंद रहे, सतर्क रहे और अपने साफ सुथरे घर वालों को इन जानवरों से दूर रखे। सही को दोस्त मुझे तो मालूम नहीं था भाई हैप्पी होली। अरे मेरी होली तो तब हैप्पी होगी जब तू मेरे हाथों में आएगा। यार जादू तू हर होली ऐसी अजीब बातें क्यों करता है यार, इट्स सो वियर्ड, आई डोंट नो। याद है 18 मार्च 2003 1:13 पर जब हम 4th स्टैंडर्ड में थे, तूने मुझे पानी मारा था। यार पानी तो मारा था, बॉटल के साथ मारा था। यार बॉटल ही तो मारी थी, बॉटल कांच की थी। यार कांच ही तो मारा था, इतना क्या बुरा मान रहा है यार। उस दिन के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, घर छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए। जब इतना कुछ छोड़ ही दिया है तो पुरानी बातें भी छोड़ देना भाई। इतने सालों से मेरे सीने में इंतकाम की आग उबल रही है। तो इनोले और 6 सेकंड में काम खत्म कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उस दिन के बाद से मैं पागल हो गया हूँ, पागल। अरे यार हेलो हेलो साले, तू 4th स्टैंडर्ड से नहीं, तू पैदाइशी पागल था। ये तो अच्छी बात है मैंने कांच की बोतल तेरे सर पे फोड़ी, सोचा ठीक हो जाएगा, साला और पागल हो गया। अरे बेरोजगार मेरे को ही मिलने थे। बेरोजगार साइको दोस्त आगे किसका? हेलो, डू यू फील वेट इनफ बेबी? अरे यार जादू तू मेरे क्यों पीछे पड़ा है, छोड़ ना यार। ऊपर ही बैठे जाएगा। Your next? ये क्या हो रहा है? जादू तूने अभी तक ग्रामर नहीं सीखा? You are next होता है, your next नहीं। क्या करूँ? इसने तो आगे लगा दी। अबे साले पागल आदमी, तेजाब क्या फेंक के मारे, दिमाग खराब हो गया क्या? ये तेजाब नहीं, तेजाब से आग निकलता है, पेशाब है। 4th स्टैंडर्ड से मैंने पेशाब नहीं किया आज के लिए, ताकि मेरा पेशाब से तेजाब तुझे जला दे। मुझे कुछ नहीं मार सकता। तूने पी गया। ले 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 निकल गया टशन। भाई को भी बाइक खत्म कर दी। अबे क्या दिमाग दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? गुब्बारे में क्या आइडिया डाल के फेंक रहे? अरे खोलो, अरे तो मेरा किसोगा भाई, अरे।
जादू जादू मुझे माफ कर दे जादू, सब पानी का भूख से मारूंगा जादू। चुप रह, सुसुर क्या करता है, जा उसको काट। लेके जा रही है फिर। खत्म, टाटा बाय बाय। वन ईयर लेटर। Hello? Do you feel dry enough, baby? Ashish? Zinda hai. Oh, you have a look here. अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये लो, ये पठान का डायलॉग गीला होने वाला है। मम्मी, मम्मी सुनामी आने वाली है, घर खाली करो मम्मी। सुनामी स्कूल। आकर पढ़ियो। क्या ये सर? पानी। स्कूल में पानी भी नहीं आता कि पढ़ाई करने आता है? क्या कहा था मैंने, हाँ? होली के दिन में स्कूल में ना पानी अलाउड है ना पानी की बोतल। सर प्यास से मर जाऊंगा मैं सर। अरे अफ्रीका में गरीब बच्चे अपने आंसुओं से नहा रहे हैं और तू प्यास जैसी फालतू चीज के लिए पानी वेस्ट कर रहा है। गेट आउट, नॉट अलाउड। कितनी बोतलें भरी है। ये क्या है सर? मेटल डिटेक्टर? वाटर डिटेक्टर। कुछ तो है अंदर। ये क्या है सर? आपने बोला था पानी का बॉटल मत लाना, तो मैं पानी को भूखे भर के लेके आ गया। सर वैसे भी मैं स्कूल का मोटो है ना, बैन प्लास्टिक। बैन के भाई? ये क्या लोहे का बना हुआ है? क्या बात कर रहे हो, ये प्लास्टिक होता है? मेरे को मालूम नहीं था सर। वैसे ये स्कूल कहाँ अच्छा पढ़ाता है सर? कॉमेडी कर रहा है? हुई 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 कमेंट करूं, हां? अगले एक साल तक सारा बाथरूम स्कूल का तू ही साफ करेगा, समझा? बिना पानी के। सॉरी सर। गेट लॉस्ट। बिना पानी के सर। जैकेट बन गया क्यों? सर आज कितनी ठंडी है सर। ए देवदास नंगा हो चल। लगता है सर आज मूड में। ए छी, कौन ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं? हट। अबे तेरी तो। ओ तेरी। ए रुक साला, सुसाइड बॉम्बर आ गया। अबे तू कौन है बे? स्कूल में रंग बेचने आया क्या? सर शक्ल भी क्यों जा रहे हो? अबे तेरी शक्ल पे जाता तो टमाटर और अंडा चोर बोलता मैं। तेरे को बोला मैंने नहीं ना? बैग किधर है तेरी? ये क्या सर? ये बैग। ये बैग है? क्या है? बुक्स। एक पेज। अबे तुम जैसे लोग ही आगे चल के देश में नकली नोट छापते हो। जा, तो चेक भी नहीं करूंगा मैं। जा, कभी पानी भी नहीं देखा होगा जिंदगी में उसने। ए बॉडीगार्ड आ गया। सुसु कर क्या जा। इधर से सुसु। अरे नहीं सर, मेरा दिल भरा हुआ है। ओ दिल भर। चल बाकी दिल भर। सर सर ये मैं पिचकारी। पिचकारी नहीं सर, ये पिचकारी नहीं है, ये असली बंदूक है। झूठ बोल रहा है सर। मम्मी कसम ये असली बंदूक है, पिचकारी से मैं पिचकारी लाऊंगा। अभी देखता हूँ। हाथ कांपने लगे। ये चलेगा बेटा, पिचकारी तो नहीं अंदर। नहीं सर। गुड बॉय, ओबीडिएंट स्टूडेंट। गो गो, फुल मार्क्स। ए सुनो रे स्कूल वासियो, आज स्कूल में पानी का नामो निशान तक नहीं है। अगर तुम में से किसी के पास भी एक बूंद पानी निकला ना, माँ कसम सूखे स्विमिंग पूल में डुबा डुबा के मारूंगा। जे सूखे में कैसे? पूरे स्कूल में 10-10 कोस तक पानी नहीं है। ये साला स्कूल है कि रेगिस्तान? प्यास से मर रहे हो। पानी चाहिए, मैं मर जाऊंगा। मरेंगे कभी भगवान। कौन मरेगा पहले? अगले जन्म मुझे ऊंट बनाना, ताकि ये दिन ना देखना पड़े। कब्रिस्तान बना रहे हैं। एक दिन यहाँ से पानी निकलेगा, धरती माँ हमारी मदद कर सकती है।
अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वॉटर. 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वॉटर. तो वॉटर की पढ़ाई आज ब्लू है पानी पानी. सर सर बाजू वॉटर. अरे आग लगी है आग. क्या पानी तो है नहीं अब क्या होगा. अरे फायर होस चालू करो फायर होस. मैं तो भूल ही गया स्कूल में तो पानी नहीं है टंकियां खाली पड़ी है तो यार. हेलो रमेश. अरे स्कूल में आग लगी पानी का टैंकर पे जल्दी. अरे तुमको क्या तंदूर होना है. अबे निकलो बाहर बाहर जाओ जल्दी करो क्या करो निकलो यार. पानी कोई है तो नहीं अंदर. अजीब आग यार सिर्फ धुआं निकल रहा है गर्मी नहीं हो रही है. चूतिया बना दी. प्लान ये है कल हम स्कूल में होली मना कर रहेंगे वो भी पानी के साथ. पानी के साथ. अरे वो जल्लाद प्रोफेसर स्कूल में ह्यूमिडिटी नहीं रहने देता है. तू पानी कैसे लाएगा अंदर. पानी मैं नहीं लाऊंगा पानी वो जल्लाद लाएगा वो भी स्कूल के अंदर. वो कैसे. सर को बोल आग लग गई. सर आग लग गई. अबे क्या दिल में आग लगी है क्या. अच्छा चिल्ला के बोल सर आग लग गई आग लग गई आग लग गई आग लग गई सर आग लग गई. स्कूल में आग लगी पानी का टैंकर पे जल्दी. चलाने की होली रिटर्न्स की वीडियो कैसा कैसा प्लान बनाया थे इन्होंने होली खेलने के लिए स्कूल में. मुझे स्कूल का ज़्यादा अच्छा लगा इसमें आप लोग बता. और जिसमें मुझे पागल बन जाता है पागल वाला रोल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था. आप लोग बताना कि आप लोगों को इसमें सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना. और आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना. बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे बनाए रखना जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ. जैसे आपने शुरू से मेरे को सपोर्ट किया वैसे मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहना. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय फ्रेंड्स.